अब क्या किया गया है, अब इसके लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा। जिन लोगों ने भरा है उनका एग्जाम जो है आरसीसी का वो 27th of September को है। 27th of September को ये जो एग्जाम है, मैं आप लोगों के कमेंट सभी के लूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं समझा दूं आपको। ये जो एग्जाम है 27th September को होगा। इस एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो पहले से ही DSSSB की साइट पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। ये एक मैंने इसकी कॉपी निकलवाई है, जिसको हमने एनालिसिस किया था कुछ, जिस वक्त में सिलेबस आया था उसी वक्त में, और इसके अकॉर्डिंग हमने एक कोर्स भी डिजाइन किया। उसकी बात मैं इसके बाद करूंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस सिलेबस को देखना और समझना क्यों जरूरी है अलग तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही थेमेटिक बेस्ड सिलेबस है। ये उतनी क्लैरिटी में नहीं है सिलेबस जिस तरीके से स्पेशल एजुकेटर्स के लिए सिलेबस बनाया गया है। DSSSB जिस सिलेबस को आपको दे रही है वो हेडिंग और रूब्रिक्स में बटा हुआ है, जैसे डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। अब डिसेबिलिटी और डेवलपमेंट बोल देने से इसके अंदर लगभग सारी डिसेबिलिटीज आ गई, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं रहा। इसके अंदर में लिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन। जैसे ही क्लासिफिकेशन लिखता है तो यहां पे DSM भी आ गया और ICD भी आ गया, और उसके पहले और बाद के भी क्लासिफिकेशन आ गए, स्पेसिफिक और जनरल डिसेबिलिटी भी आ गई, बायोसाइको सोशल स्टेटस ऑफ पर्सनल एम्पेयरमेंट। अमेजिंग है ना, बायो सोशो साइको, क्या है ये कॉन्सेप्ट? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसे जोड़ के मत भरिए भरिएगा, आप क्या कीजिए कॉमा लगा दिए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर होता है, जिसमें कि आपके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से लेकर के बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग तक कहीं भी प्रॉब्लम होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड देन सोशल यानी साइको सोशल या बायो सोशल। एक तो हो गया साइको सोशल, इसका मतलब एरिक्सन से लेकर के और वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा जो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी को जोड़ रहा है कहीं पे, तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म से लेकर के और लैंग्वेज के सोशल इंपैक्ट को लेकर के, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस को लेकर के, ये सारी चीजें जुड़ी होंगी। और बायो सोशल मतलब कि आइजेंक या फिर कटेल या 5 फैक्टर ऑफ कॉस्टाइन, मैकरे, आलपोर्ट, ये सब इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, फैमिली रिलीजन एंड एजुकेशन, इसको बहुत क्लियर करके कम से कम 3 हेडिंग में डिजाइन डिजाइन किया गया है फॉर दी मटेरियल, फॉर दी पर्पस ऑफ SET। लेकिन यहाँ पे इसको केवल एक पॉइंटर में दे दिया गया है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड फिलोसफी, चैरिटी मोड एंड राइट मोड। जब राइट मोड की बात आती है तो लीगल सेक्शंस, चाहे कि वो चाहे तो वो RCI का गठन हो, चाहे मेंटल हेल्थ एक्ट हो, चाहे फिर उसके अलावा जितने भी इस प्रोसेस में एक्ट और पॉलिसीज आई हैं वो हो। जब हम चैरिटी मोड की बात करते हैं तो CBR की बात करते हैं, हैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन भी ऐड हो जाता है इसमें। फिर सर्विसेज प्रोवाइडिंग एजेंसी यानी कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सरकारी तंत्र जो लगा हुआ है और NGOs जो लगे हुए हैं वो भी इसमें अवेल होंगे। मैग्निट्यूड एंड प्रिवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी ये सेकेंड टॉपिक है, अभी तक जो मैं पहले रूब्रिक को ही डिस्कस कर रहा था आपसे। मैग्निट्यूड एंड प्रिवलेंस के अंदर इंसिडेंट एंड प्रिवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है कि इंसिडेंस क्या होता है और प्रिवलेंट रेट क्या होता है। तो अगर इसको अगर आप अलग अलग डिसेबिलिटी के लेवल पे करेंगे तो थोड़ा सा रायता फैलता है, अदरवाइज ये नॉर्मल टॉपिक है। इन्यूमरेशन मैथड एंड डोर टू डोर सर्वे, यहाँ पे NSSO का आपको एक सर्वे करना पड़ेगा जिसमें कि डील किया हुआ है, खास करके VIHI के लिए तो आपको मिल जाएगा, बट LD के लिए पूरा सर्वे आपको मिल नहीं पाएगा, तो वहां पे आपको एक डेटा से काम चलाना पड़ेगा, 2015 का है। स्क्रीनिंग टूल नीड असेसमेंट स्केयर केस, WHO का जो मॉड्यूल है उसको यूज किया हुआ है इसके अंदर। जो WHO का एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बहुत सिंपल 10 क्वेश्चन स्क्रीनिंग टेस्ट है,
अब क्योंकि बोल रहा है स्क्रीनिंग टूल्स, तो यहाँ पे फिर चैट, क्यू चैट, एम चैट जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो जाएंगे, और बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है अलग अलग सेक्शंस के लिए। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी रिलेशनशिप, ये एक जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बिकॉज ये थ्योरेटिकल सोच के आधार पे है। तो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा, यहाँ कोई नाम या ईयर तो आपको लगाना नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पुअर है, अगर कोई गरीब है, तो ऑब्वियसली उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, तो इंटरवेंशंस भी कम हैं, यानी कि ये फैक्टर उसके बिहेवियरल डिस्क्रिपेंसीज में भूमिका निभाता है। इसको कनेक्ट करके ये पूछ सकता है कि भाई बिहेवियरल डिस्क्रिपेंसीज या पॉसिबिलिटी ऑफ एएसपीडी पुअर क्लास में ज्यादा होगा। आप और हमारे जैसे लोगों की सोच होती है कि नहीं ये तो डिटर्मिनिज्म है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्त, ये सही बात है कि अगर आप डेलिक्वेंसी की बात करें, अगर आप बिहेवियर डिसऑर्डर की बात करें, एएसपीडी की बात करें, तो ये पॉवर्टी यानी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से इंपैक्ट होती है। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट डिसेबिलिटी, ये छोटा सा टॉपिक है, आपको एनआईयूएस में मिल जाएगा। डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, इसके अंदर आपको आरंभ उपनयन, एफएसीपी, बेसिक एमआर, बेसल एमआर, ये तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा एज एंड स्टेज क्वेश्चनेयर, डाली, और फिर आपको इसमें कुछ ऐसे ही इंटरवेंशंस प्लान है जिसमें कि बीआईपी, एबीए, ये कर लेना होगा। स्क्रीनिंग एट पीएचसी लेवल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी, तो अपगार स्केल करना होगा, आपको पीएचसी टेस्ट वगैरह देख लेने होंगे। एक तो बेली स्केल है, ब्रेजल्टन है, अपगार है, ये देखना होगा। ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी है, ये आपको एनआईओएस में ही मिल जाएगा, फर्स्ट टू सेक्शंस के अंदर ही। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड काउंसलिंग, अब ये मेरे को नहीं समझ में आता है क्या डाल दिया इन्होंने। आप सोचिए, ये थर्ड रूब्रिक है डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, और इसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस काउंसलिंग पूरा का पूरा आ गया, साइकोलॉजी ऑफ रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी पूरा आ गया, एंड सोशल एस्पेक्ट एंड सोशियोलॉजिकल थियरी, तो ये भी शामिल हो गया। फिर आता है कैरियर एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन, अगेन इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं, अगर मैं इस तरीके से डिस्कशन लूंगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। कैरियर एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन, इसके अंदर आपके पास में रिहैबिलिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से है, तो पहले से ही आप क्या करें, थर्ड रूब्रिक और फोर्थ रूब्रिक को एक दूसरे के साथ में मिला लें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि वी आई के, एच आई के केस में और आई डी के केस में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होती है, या लर्निंग डिसेबिलिटी के केस में उसको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसमें रिहैबिलिटेशन का और इंटरवेंशन का क्या रोल है, आईईपी में आप कैसे कोशिश करते हैं, और ये सारे एरियाज हैं जो उसमें जुड़े हुए होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरा का पूरा जो सेक्शन है, एक केवल गाइडेंस एंड काउंसलिंग को अगर आप छोड़ दें, तो यहाँ पे अननेसेसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप रिहैबिलिटेशन में को अगर थर्ड और फोर्थ टॉपिक में जिस तरीके से करेंगे तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसको यहां से हटा के थर्ड फोर्थ में इंक्लूड कर लीजिएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो पांच पॉइंटर दिए हुए हैं वो जो मेरी बुक है साइकोलॉजी की, उसमें इनफ रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि इस पॉइंटर से कम तो भी 25-30 क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जनरल साइकोलॉजी है, जिसको पढ़ने के बाद जनरली बच्चे बोलते हैं ना सीटेट में कि भाई मेरे को साइकोलॉजी तो आता है, बाकी सब चीजों में बता दीजिए। तो यही वाला सेक्शन है जो यहाँ कवर है, आप लोगों ने किया हुआ है। फिर आ गया पेडागॉजी का सेक्शन, जिसमें कि लर्निंग मेथड्स, पेडागॉजी और डेवलपमेंट, एजुकेशन प्लान, मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, बेसिकली सारा करिकुलम वही है जो कि एसईटी में है। मैंने इसको मैच करके देखा पॉइंट बाई पॉइंट, तो यहाँ पे बस उतना खोल करके नहीं दिया हुआ, वहां बहुत ज्यादा खोल के दिया हुआ है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बहुत मजेदार चीज है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो ना तो पीआरटी में है ना ही एसईटी के पेपर में है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक में, तो इसलिए ये शामिल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रूप में, ईवीजीसी के एग्जाम में आता है।
नेट में भी नहीं आता, वहां पे भी कैरियर साइकोलॉजी तो आता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज सच टॉपिक नहीं है वहां पे। अब आपके कोर्स में क्यों है? क्योंकि आपको पहले ही कहा हुआ है कि 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल रूप पे आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना बहुत सारे स्कूल्स को, अपने रिसोर्स सेंटर को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके, और वहां पे सर्विसेज को और मैनेजमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी जरूरत है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे उससे बेहतर आउटकम लेंगे। इसी तरीके से अगला टॉपिक भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन। आपका पूरा पेपर जो है वो CBR रिहैबिलिटेशन टेक्निक इंटरवेंशंस और प्लानिंग कैसे होती है, तो टाइप ऑफ इंटरवेंशन, टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन एंड हैबिलिटेशन के बीच में अंतर, और रिहैबिलिटेशन को करते समय कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कौन से डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं, इसको याद करना होगा। यही यहां पे काम भी है प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से लेकर के। देन रिसोर्स सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अगेन अब रिसोर्स सेंटर की जब बात आती है तो रिसोर्स सेंटर के काम क्या होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे वो प्लानिंग हो, प्रोजेक्ट हो, थेरेपी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, टेस्टिमोनियल, असिस्टिव डिवाइसेज, असिस्टिव टूल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर आती हैं। आपको ये बहुत आसानी से तो नहीं मिलेगा क्योंकि किसी एक जगह पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ आपको इसके लिए इग्नो और NIOS को तो देखना पड़ेगा, साथ में खास करके आपको देखना होगा आपका जो BEd DEd का जो मटेरियल था उसमें जाना होगा, वहां पे आपको ये मिल पाएगा और बहुत कम मिल पाएगा क्योंकि रिसोर्स सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है भारत में, और वो जो मटेरियल बना हुआ है वो बहुत नया नहीं है भारतवर्ष में। दोनों समझ रहे होंगे ना बात को। टीम वर्क फॉर डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन, यहां पे टीम वर्क, क्योंकि रिसोर्स सेंटर को एक टीम के रूप में बहुत सारे स्कूल्स के साथ, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके रियल जो उनका नॉर्मल करिकुलम होता है और जो उनका कोर करिकुलम देखा जाता है, इन सब चीजों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। लॉज इन डिसेबिलिटी एरिया, इसके बाद में कुछ एक लॉज आते हैं, तो इसमें तो आप छोड़ ही नहीं सकते जो आपको डिसेबिलिटी के एरिया के जो भी आपको एक्ट्स पता है वो तो लगाने ही होंगे, प्लस ये भी रखने होंगे जिसमें कि जो लोग पिछली बार हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं कोर्स में वो देख रहे होंगे कि हमने उन्हें ल्यूनेसी एक्ट के बारे में भी बताया, हाउसिंग फाइनेंस, मेंटल हेल्थ एक्ट, RCI एक्ट, या रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, एजुकेशन फ्रेमवर्क क्या है, बिलवाको प्लान क्या है, तो कुछ चीज़ें एडिट भी करवाएं जिसमें कि इचियोन प्लान है, RPWD एक्ट है, NEP 2020, और अब क्योंकि 2023 का जिक्र नहीं है इसमें क्योंकि अभी उसका फाइनल वर्जन नहीं आया है NCF का, बट यस दोज ऑल थिंग्स आर देयर। इसके बाद में मिसलेनियस भी है, मिसलेनियस में नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं केवल इस टॉपिक से। अली यावर जंग इंस्टीट्यूट कोई बात करते हैं या फिर पहले ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन की, तो ये हिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन से संबंधित फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। स्किल डेवलपमेंट फॉर PWD ये भी हैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन में कवर हो जाएगा। यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID की बात कर रहे हैं, और फिर क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एक्सेसिबिलिटी के लिए आप जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देते हैं उसकी बात है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो कि जिसमें सुगम्य भारत प्लान जिसे कहा जाता है वो है, एंड रूल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का क्या रोल है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के साथ करना होगा। ये पूरा सिलेबस है, इतने सिलेबस के डिस्कशन के दौरान आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी दैट योर एग्जाम इज नो डिफरेंट फ्रॉम SAT। तो जो डिफिकल्टी लेवल है या फिर जो फैलाव है जो पूरे इस सिलेबस का वो बहुत ज्यादा है।